लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर रायबरेली से, जहां मायके में ससुराल जनों ने विवाहिता की कुल्हाड़ी से की हत्या। विदाई को लेकर हुआ वाद विवाद, ससुराल जनों ने नवविवाहिता की कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना परिजन व पुलिस को दी, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। थाना क्षेत्र के पूरे गोसाई गांव का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस को खून से लथपथ लाश के पास में पड़ी कुल्हाड़ी भी मिली। परिवारजनों ने मृतका के पति व ज्येष्ठ पर हत्या का आरोप लगाया। कई दिनों से मृतका अपनी बहन के यहाँ आकर रह रही थी। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सहित स्थानीय पुलिस पहुंची और शव को लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई। डी थाना क्षेत्र के पूरे गोसाई गांव में सीरा अपनी बहन के यहाँ आकर रह रही थी। उसका अपने ससुरालजनों से कुछ विवाद चल रहा था, जिसके चलते वो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। वहीं सूत्रों की माने तो इसके पहले भी उसकी विदाई के लिए ससुराल वाले प्रयास कर चुके थे। बुधवार को भी मृतका का पति व ज्येष्ठ विदाई के लिए सीरा की बहन के घर पहुंचा और विदाई की बात कहने लगा। मृतका की बहन के घर वाले खेत में काम करने चले गए, जिसके बाद दोनों के बीच कुछ वाद विवाद हुआ और सीला की गला काट कर हत्या कर दी गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके पति व ज्येष्ठ ने कुल्हाड़ी से काट कर उसकी हत्या की है। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव और थानाध्यक्ष पंकज सोनकर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही के लिए भेज दिया। संदीप मिश्रा, रायबरेली, R9 भारत। जी सर, आज क्या घटना हुई सर? ये पूरे गोसाई गांव है जो थाना डी के अंतर्गत आते हैं जी। इसके एक सीला नाम की लड़की है जो कि बहन के यहाँ आई थी जी। और आज जैसा कि गांव वालों का और इनकी बहन का आरोप है, जिसके ससुराल वाले जो थोड़ी दूर पर यहाँ से रहते हैं, वो लोग उसके पति और जेठ दोनों लोग आए थे और यहाँ पर आकर उसकी हत्या कर दी। अभी जो तहरीर प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई जी सर।